कोई भी होता, अगर माताएं होती तो दूल्हा सजाती बढ़िया। शिव जी के गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभो गण कर रहे श्रृंगार, शिव ही शंभो गण कर श्रृंगार,
स्वामी जी ने इन पंक्तियों में द्वादश ज्योतिर्लिंग की वंदना की। बराह ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार है इसमें। शिव ही संभुगन करहि सिंगारा और जटा मुकुट यही मोर सवारा कुंडल कंकन पहिरे व्याला। ये बाबा बैद्यनाथ का श्रृंगार है। बैना जी के यहाँ कुंडल कंकन पहिरे व्याला, बाबा बैनाथ का श्रृंगार ऐसे होता है। और फिर महाकालेश्वर भगवान का श्रृंगार होता है। तन विभूति पट के हरि छाला हो गया। फिर बाबा विश्वनाथ का सशील लाट सुंदर सिर गंगा अनयन तीन त्रमकेश्वर भगवान उपबीत भुजंगा गरल कंठ पुर नर सिर माला। गरल कंठ पुर नर सिर माला भीमा शंकर। और क्या है अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल त्रिशूलधारी भगवान ओंकारेश्वर अरु डमरु विराजा अचले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। बसा केदारनाथ भगवान किस तरह देखते हैं। देख शिव ही सुर त्रिय मुस्काही भुस्मेश्वर अवर लायक दुलहिन जग नाही। मल्लिकार्जुन बड़े सुंदर हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूरी पंद्रह को समझने किया इन पंक्तियों को। शंकर जी के गण श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का बालों का मुकुट बनाया क्यों बता चुके। बाल खोपड़ी में होते हैं, खोपड़ी में विचार होते हैं, बुद्धि में विचार होते हैं, सिर भी सिप बाल भी सिप होते हैं। विवाह के पहले आपके विचार अगर बिखरे रहे तो चलेगा, लेकिन जब विवाह करने चलो तो विचार को बांध लो। अब विचार एक हो जाना चाहिए। जब विचार ही नहीं मिला वो पैसा दे दिए पैसा ले लिए विचार मिले नहीं समधी समधी का विवाह हो गया। पैसे से विचार नहीं मिलता है, पत्तरा से भी विचार नहीं मिलता है। विचारने के लिए पंडित जी अब बताओ। अरे विचार आप दोनों समधी का मिले। कुंडली सासु पतोहू की अच्छी होनी चाहिए। विचार एकाकार हो। ये पत्रा का विचार क्या मिला देगा। आपके विचार मिल रहे हैं। बर दुल्हन के विचार एक हो। इसलिए आज तक तुम्हारे विचार अगर बिखरे थे किसी ने नहीं पूछा, आज विवाह करने जा रहे हो विचार एक कर लो, विचारों को बांध लो। जटा मुकुट अहि मोर सवारा सांपों का मोर सवारा सांपों का मोर बना क्यों। सांप को कहते हैं काल। काल माने मृत्यु, काल माने समय। विवाह करने चलो दोनों को ध्यान रखो। विवाह तो कर लोगे लेकिन विवाह के कुचक्र में इतना न फंस जाओ गृहस्थी में कि अपनी मृत्यु भूल जाओ। याद रखना एक दिन आएगी, इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था करते चलो। राम नाम जप उसकी व्यवस्था एक है, भगवान का नाम लेना। ये दोनों लोगों के लिए यानी कि एक के लिए